अखबार वाले हैं उसके खिलाफ लोगों को आप लोग मीडिया पर क्यों भड़क जाते हैं भाई? आप ही के लिए भड़क हम लोग बोल रहा है कि झूठ मूठ के ये झूठ मूठ के रोड पर दामा लगाया हुआ है। ये FIR मेरे ऊपर दर्ज है 150। अगर 151 आपके हथियार में होगा तो मुझे कोई कम नहीं होगा। पुलिस विभाग का निवेदन करना चाहूंगा, जिसने मारा उनको पकड़ के अंदर डालो, नहीं तो फोड़ने हमें भी। तो मानने को तैयार नहीं है कि ये क्या चीज है, बकवाला ट्रैप कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे मुसलमानों के साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि दोस्तों बिहार के सड़कों पर बबल मच गए हैं। बिहार के युवा महंगाई रोजगार शिक्षा को लेकर प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतर आए। अब सबको पता लग गया है कि ये जो नेता लोग हैं वो उसके बच्चे को बाहर के देश में पढ़ाएगा और हमारे देश के युवा को कहेगा कि तुम लोग कट्टर हिंदू हैं, धर्म का रक्षा करना है। लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी नेता का एक भी बच्चा इसमें नहीं जुड़ेगा, ये बात आप सभी को समझना होगा। देखिए बिहार के युवा का क्या कहना है। मोदी जी कुछ दिन पहले रविशंकर यादव जी की बेटी बाहर में टॉप की है, तो आप अपने बाल बच्चा को अदर कंट्री में पढ़ाइए और हमको बिहार में रखे और बोलिए कि तुम कट्टर हिंदू बनो। ठीक, आप धर्म खतरे में है, कौन अच्छा करेगा? अरे कौन बोला धर्म खतरे में? किसका औकात है जो वो धर्म खतरे में कर देगा जी? किसका इतना औकात है? हमारे हिंदू खतरे में है, हिंदू सब बस नेताओं को लगता है कि हिंदू खतरे में है, लेकिन तमाम हिंदू भाई आपको खतरा है जी? आपको खतरा नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं। खतरा नहीं, इन लोगों को खतरा नहीं है। जो नेता है उनको खतरा है जरूर धर्म से, क्योंकि उन लोगों को अपना रोटी सेकना है। क्या हम एक लोग पढ़े लिखे युवा है, हमें रोजगार की जरूरत? पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं क्या जी? हाँ, इतना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री है कि 1975 में शायद कलम से लिख के डिग्री मिलता था, उनका पब्लिश होकर मिला है। तो इतना तो आप भी समझ सकते होंगे कि कौन सा डिग्री है उनके पास। इतना लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़वा देते हैं, बोलते हैं कि हर साल रोजगार देंगे। जंतर मंतर पे न्याय मिलेगा, पहलवाने को घसीट के जेल में ले गए। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है आपके घर से कोई गया है? नहीं, चुप रहो। आपके घर से कोई गया है? कोई नेता मंत्री के घर से गया है? नहीं गया है, तो आपको टेक्निकल फॉल्ट लगेगा। जिसके घर से गया है किसका फॉल्ट लगता है बताइए ना। अरे एक समय जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब उनके वहाँ पे ट्रेन हादसा हुआ था तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जब बलात्कारियों और रेपिस्टों की सरकार है उस सरकार को उखाड़ने के लिए हम लोग आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। मेरा मुद्दा है देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति लाई गई। मोदी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है। कौन बोलता है? कौन दुनिया बोलता है? डंका बजता है। कौन दुनिया में बोलता है? आप भी बीजेपी का एजेंट है क्या? आप इस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं? आप 9 साल में 9 उपलब्धि नहीं बता सकता है उसको आप देश के मजबूत पीएम बताते हैं? जिसके सरकार है, जिसके सरकार नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट और घटिया प्रधानमंत्री है। रेल बजट को आम बजट में मिलाने वाला प्रधानमंत्री, जब वही ओडिशा में रेल हादसा हो रहा है तो ड्रेस बदल रहा है, परिधान बदल रहा है। 1000 लोग मर गए, 4 दिन हो गए, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है। 1000 लोग मरे हैं, देश का डमरू प्रधानमंत्री बन गया है, देश को डमरू की तरफ जा रहा है। क्रांति का आगाज हुई है। मोदी मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। टीवी है, टीवी अखबार वाले हैं उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, लोग सब बात नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है मीडिया को लेके इन लोगों को? आप मीडिया का चिप है, चिप जरूर है, लेकिन श्वेता जी के दिमाग में मोदी जी का चिप है। एक सीरियस सवाल है, क्या लगता है आप लोग का खबर गरीब मोदी दिखाता है? नेशनल मीडिया कहाँ दिखाता है? वो तो दिन भर मोदी मोदी गोदी गोदी क्लियर रहता है। उसका कोई काम है जी? या नहीं करेगा तो नौकरी पर से निकाल देगा, उसका कहेगा कि चलो हटो नौकरी पर से, तो वो अपना तलवा चाट के नौकरी बचाया हुआ है, तलवा चटवा है सब। दोस्तों बड़ी अपडेट है, कर्नाटका में अब आप गाय खा सकते हैं। जी हाँ, कर्नाटका की सरकार ने कहा है कि 12 साल से ज्यादा उम्र वाले गाय को काटने की अनुमति देता है संविधान। वही कर्नाटका के अंदर जो गो हत्या की कानून बनाया गया है उसे भी कैंसिल कर देंगे चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया। वही राजा सिंह को बीजेपी वाले कहते हैं कि सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जहां भी इलेक्शन होता है वहां पर ले जाकर मुस्लिम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं। तेलंगाना के अंदर असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, जिसको देखते हुए राजा सिंह की मुस्लिम को कमजोर करने की भाषण शुरू हो चुका है। जितनी भी हमारी महिला है ना, इनको शस्त्र विद्या सीखो, या लट से मारना या हाथ से मारना। जूडो कराटे की ट्रेनिंग क्लास आपके इस गांव में शुरू करो। अरे कोई टोपी वाला आता है तो दिख जाता है, वो देखो आ रहा है हमारा साला। आज की जो पुलिस है ना, ये रजाकार पुलिस है, रजाकार पुलिस। ये पुलिस हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करती है, हिंदुत्व के प्रति अगर कोई बात भी करे तो उनके ऊपर FIR कैसा लगाना ये सोचती है। अब ये 2 कैमरामैन में से एक पुलिस का कैमरा है, अब ये रिकॉर्ड करेगा, पुलिस स्टेशन ले जाएगा,
पूरी न्यूज सुनेगा, उसमें वो कटिंग करेगा, कौन से भाषण पे कौन सा धारा लगाना वो सोचेगा। अबे सालो, एक 150 FIR मेरे ऊपर दर्ज है, 150। अगर 151 आपके हथनूर में होगा तो मुझे कोई गम नहीं होगा। पुलिस विभाग से निवेदन करना चाहूंगा, जिसने मारा उनको पकड़ के अंदर डालो, नहीं तो फोड़ना हमें भी। अरे वॉल सिटी जैसे गद्दारों का हम मुंह बंद कर सकते हैं? काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो समय पर हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए अगर मुगलों से लोहा ना लेते तो आज एक भी हिंदू ना बचता। दोस्तों, ये जम्मू के सांबा का नजारा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारे अंधभक्त एक जगह जमा हो गया है और लव जिहाद को रोकने के लिए ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि लव जिहाद नाम के कोई चीज ही नहीं, हालांकि भगवा लव ड्राइव के बारे में सभी को पता लग चुका है। एक तरफ ये लोग लव जिहाद के ऊपर एहतजाज करेंगे और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भगवा लव ड्राइव में किस तरीके से मुस्लिम लड़की को फंसाएंगे उसकी ट्रेनिंग देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम बहन भगवा लाभ ट्रैप को लेकर कह रही है कि भगवा लाभ ट्रैप को लोग मानते नहीं हैं। इसके अलावा और क्या कह रही है, आइए देखते हैं। जी, भगवा लव ट्रैप जैसा आप इसको भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये क्या चीज़ है, भगवा लव ट्रैप कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे मुसलमानों के साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान के लड़के हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मुसलमान की लड़कियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। अब वो गलती हमारे मजहब के भी लोगों। अच्छा, ये हो रहा है तो इसका कोई आपको सबूत लग रहा है, कुछ आप देखती हैं, कुछ आपको लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई टीमें काम कर रही हैं? बिल्कुल, इसके पीछे लोग हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुसंख्यक समाज के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सभ्य लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े मंच पर जाकर ऐसे ऐसे भाषण देंगे कि हम इतनी लड़कियों को वापस लाएंगे, इतने लड़कियों के घर वापसी कराएंगे। तो भैया, जो जिस मजहब में है, जिस कम्युनिटी में जी रहा है, उसको उस कम्युनिटी में जीने दो ना, ये ज़बरदस्ती की क्या हरकतें हैं? ऐसे तो लोग क्या कहते हैं, उत्साहित होकर, हाँ उत्साहित भी नहीं कहेंगे, उसे उकसा कर लोगों को, और एक तरह से ये काम करना बहुत ही गलत चीज़ है। ये हमारे बड़े ही लीडर लोग हैं, हम उनका नाम तो नहीं ले सकते किसी का भी, लेकिन ऐसा ये हो रहा है। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी क्लिप मिल जाएंगी जिसमें ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें ये सारा पूरा एक काम किया जा रहा है। लेकिन हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं दिखाई दे रहा, ना ही हमारी बहनों को दिखाई दे रहा है ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत होंगी आगे चलकर। तो जैसा कि अभी आप इनका विचार सुन रहे थे, तो भगवा लव ट्रैप है, और जो आपको लगता है कि मैम, जैसे ये जो भगवा लव ट्रैप है या लव जिहाद है, इसको रुकना चाहिए और एक दूसरे के कम्युनिटी में इधर उधर शादी करना है, सरकार को इस पर एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के अगेंस्ट जाकर लड़कियों को शादी करने की हमें लगता है कि इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, माँ बाप वापस सोचे ना, 20-22 साल जो माँ बाप ने पाला है, क्या वो अपने बेटी के हक में या बेटे के हक में गलत करेंगे फैसला? वो अगर कहीं शादी का फैसला करते हैं तो बेहतर ही करेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा है, अगर कोई अदर कम्युनिटी में शादी करना चाहता है, तो उसका भी बहुत सारे तरीके। तो इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।